झीरम नरसंहार का मामला फिर सुर्खियों में है, तो बाद बस्तर के एकमात्र भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या की भी उठेगी। भीमा मंडावी की हत्या के भी राजनीतिक कारण तलाशे जाएंगे, लेकिन चर्चा में ये भी शुरू हो गया है कि क्या छत्तीसगढ़ के नेता नक्सलियों से अपने विरोधियों की हत्या करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही चर्चाओं को सच माने तो राजनीति का ये घिनौना और डरावना चेहरा लोगों को भयभीत करने वाला है। राजनेता अपने विरोधियों के खात्मे के लिए नक्सलियों का सहारा लेते हैं। नक्सली लंबे समय से समय समय पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की हत्याएं कराते आ रहे हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता शामिल हैं। नक्सली ये हत्याएं राजनीतिक दृष्टिकोण से या नियोजित तरीके से करते हैं या ये हत्याएं करवाई जाती हैं, यह तथ्य अब तक पुख्ता तौर पर उजागर नहीं हुआ है। हालांकि राजनेताओं की हत्या के उद्देश्य कभी उजागर नहीं होते हैं, लेकिन ये टारगेट नक्सलियों के हाई लेवल पर फिक्स किए जाते हैं, जिसकी जानकारी दूसरी पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के नक्सली सदस्यों को नहीं होती है। अगर पुलिस या जांच एजेंसियां ऐसी घटना में शामिल नक्सली या नक्सलियों को गिरफ्तार कर भी लिए और आत्मसमर्पण भी करा लें, तो भी उस घटना का यानी कि नेता की हत्या के कारण का पता नहीं लगाया जा सकता। रेखचंद जी को यह मालूम होना चाहिए, हमारा परिवार हमेशा ही नक्सलियों का विरोध किया है और नक्सलियों के कारण हमारे पिताजी सांसद थे, नारायणपुर जा रहे थे, वो तो भगवान की दया से गाड़ी से मुड़ के आ गए, बच गए, है ना। उसके बाद सबसे बड़ी घटना हमारे जहां हम हमारा पैतृक देवी देवता हैं वहां पूजा अर्चना हो रही थी अष्टमी के दिन, हमारे छोटे भाई जो जनपद के अध्यक्ष थे उनको नक्सलियों ने अंधाधुंध गोली से मतलब वो करके जो है ना उनका मृत्यु हो गया। साथ में मेरे को भी गोली लगी, भगवान ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दिया और खेत में जहाँ ढेले पत्थर थे उनको मैं जो लगातार मार मार के उसकी गोली को जो है ना वो करता रहा। जब गोली खत्म हुआ तो नक्सली भाग खड़ा हुआ और उसके कब से भगा के ले गए, वो तो पिस्टल रखा था, नहीं तो उसको पकड़ लेते। सवाल हम लोगों ने नक्सलियों का जितना हमको हुआ है रेखचंद जी इनको शायद पता नहीं, अगर ये साबित कर दें तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे कि किसी नक्सली को हमने सहयोग किया है या कुछ किया है। मामला चाहे झीरम नरसंहार का हो या भाजपा विधायक भीमा मंडावी का हो, हत्या हुई या फिर पूर्व में छोटे और मझोले किस्म के नेताओं की हत्या का हो, समय समय पर इन हत्याओं में शामिल नक्सली पकड़े जाते रहे हैं। इन हत्याओं में शामिल नक्सलियों ने समर्पण भी किया है, मगर पुलिस या जांच एजेंसियां इस बात का पता नहीं लगा सकी हैं कि क्या ये हत्याएं सुपारी किलिंग थी। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संबंध माओवादियों से रहा है, झीरम घटना की जांच की बात जब जब आती है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह फेर लेते हैं। अभी बस्तर के मामले को लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का माओवादियों से संबंध के मामले को लेकर, तो दंतेवाड़ा जिला भाजपा के उपाध्यक्ष जगत पुजारी जो कि पूर्व भाजपा विधायक धनीराम पुजारी के सुपुत्र हैं, 10 साल से नक्सलियों को सामान सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुए। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिवदयाल तोमर, जिनका भी नक्सलियों से सांठगांठ थी, उनको पैसा देने का वादा किया था, बाद में मुकरे तो अंततः उनकी हत्या कर दी गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।